अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक? रात के 11 बज रहे हैं तकरीबन, और मैं सोचा आज परिंदों को डाइट भी देंगे और ऊपर के केजेस की जो सेटिंग थी वो भी अभी कर लेते हैं चल के ऊपर। तो फटाफट से टाइम ज़ाया किया बगैर चलते हैं ऊपर की तरफ और पहले देंगे परिंदों को डाइट और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, केजेस की थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह, तो वो वीडियो भी शेयर करेंगे। तो आ जाए चलते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा दोस्तों, थोड़े दिन पहले जो मैं अबू बकर के लिए आईपैड लेके आया हूँ ना, तो उसके साथ मैंने ये ट्राईपॉड भी परचेज़ किया। देखें इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही कोई ज़बरदस्त क्वालिटी का ये ट्राईपॉड है और पूरा स्टील वर्क का है। देख रहे हैं आप, कोई भी प्लास्टिक की इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, पूरा स्टील का है। और ये सबसे बड़ी बात, ये ज़बरदस्त क्वालिटी में बना हुआ, मतलब ये ना टूटने का डर है ना ही गिर के टूट सकता है, और ये भारी से भारी चीज़ भी आराम से उठा सकता है। देख रहे हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है ये ट्राईपॉड। तो अभी लगा के इसको चेक भी करेंगे मोबाइल कैसा चलता है इसमें, तो मेरा फर्स्ट टाइम ही होगा, अभी लगा के चेक करेंगे आपके साथ, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ऊपर चलते हैं। आ जाए जी दोस्तों, देख रहे हैं माशाल्लाह नाइट व्यू में हमारा कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है हमारे मिनीज़ू का। अब आप ये अंदाज़ा करें कि जब हमारे तमाम केजेस जो हैं ये दीवार पर सेट हो जाएंगे ना, तो यू बिलीव मी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी हमारे तमाम ही देखें, चिक्स भी इस टाइम हमारे बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे हैं, डक्स भी और हमारे रैबिट भी। यार सेटिंग तो होती रहेगी, सबसे पहले डाइट स्टार्ट कर देते हैं परिंदों की, डाइट पहले दे देते हैं फिर सेटिंग करेंगे आराम से, ठीक है ना? सबसे पहले हम अपने रैबिट को देंगे डाइट। चलिए जी दोस्तों, ये डाइट मैंने बनाई है अपने चिक्स के लिए, यानी कि अपने चूज़ों के लिए। तो आ जाएं जी चूज़ों के पास चलते हैं और ये डाइट उनको देते हैं। हमारी दोस्तों डक्स की बारी, तो डक्स को आज़ाद करते हैं फटाफट से। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, हमारी डक्स ने देखें कितनी जल्दी सारा ही टमाटर ख़त्म कर दिया, देख रहे हैं आप। चलें जी दोस्तों, फाइनली मैंने अपने डक्स को तो बंद कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना? अब हमें करना है केजेस का काम, तो फटाफट पहले केजेस वगैरह का एक से एक ही करके सारा काम निपटाता हूँ, मैं चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, हम लोग चेक करते हैं कि हमारे जो परिंदों ने जो एगलिंग की थी वो कहाँ तक पहुँची है। तो आ जाए जी देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको नहीं दिखाया ना अभी तक अंडे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। आ जाए, वो मादी बाहर है इसलिए वो आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। तो आ जाए, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मादी है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये मादी है दोस्तों, ठीक है ना? और ये इसका नर है। बाकी मैं आपको इसके दिखाता हूँ एक्स कहाँ तक पहुँचे, अभी तक जो बात है मैंने भी नहीं देखे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ। आ जाए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। देख रहे हैं दोस्तों, दो अंडे माशाल्लाह से बच्चे आ चुके हैं, दो अंडों में से बच्चे मादी निकाल चुकी है माशाल्लाह। अब हमारे बच्चे हैं 2, 4, 5 अंडे बचे हैं जी, मादी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं फटाफट से। अच्छा दोस्तों, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब आपकी होम ब्रीड कोई भी घर पे आती है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक, बच्चों का ख्याल करो अपने। आ जाए चेक करते हैं इसके अंडों का क्या हाल चाल है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे तो कोई भी नहीं निकाला अभी तक अंडा यार, इसके और अंडे कहाँ हैं यार? इसने ये क्या करा है, सारे अंडे दोस्तों कोने पे ले गए यार ये, एक बाकी तमाम अंडे इसके कोने पे रखे हुए हैं और एक अंडा इसका वहाँ कोने पर, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो तो। ये इधर उधर इसने अंडों को क्यों करा आपने? चलो भाई, हो सकता है इसकी कोई, अच्छा इस अंडों को ना दोस्तों छेड़ते नहीं है ज़्यादा, इसी तरह एजिटिज इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी सही नहीं होता है ना। तो देखता हूँ जहाँ तक सेटिंग बनती है, सफाई कर लेता हूँ, फिर इसके बाद सुबह आगे यहाँ की सेटिंग करूँगा क्योंकि अकेले हाथ का काम है नहीं है दोस्तों। ये भी देखें हमारी होम ब्रीड थी, इसके तीनों चिक्स देख रहे हैं माशाल्लाह, ये सेल्फ फीड पे आ चुके हैं आप, ये देख रहे हैं माशाल्लाह। जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है बर्ड्स को रख के, तो मैंने एक्सपीरियंस ये लिया है, एक तो आपके पास केज ज़्यादा होने चाहिए और दूसरी बात केजेस का साइज़ आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा साइज़ होना चाहिए, ठीक है, ताकि बर्ड्स आपका आराम से उसमें ब्रीडिंग भी कर सके, ठीक है। और सेकेंडली आप जब उसको पकड़ना चाहें हाथ से तो आप आसानी से उसको पकड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो केज जो है ज़्यादातर मैंने ये देखा, ये एक्सपीरियंस करके, बर्ड्स का एक्सपीरियंस मुझे था नहीं, तो मुझे एक्सपीरियंस में ये चीज़ हासिल हुई कि जब भी आप केजेस बनवाएं तो पोर्शन वाला केजेस बनवाएं, एक केजेस मास्टर केज ना बनवाएं, मास्टर केज बनवाएं तो इस तरह का बनवाएं कि आप खुद अंदर भी जा सकें, ताकि जाल से आप आराम से इसको काबू भी कर सकें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखें तमाम सेटिंग मैंने कर ली है, फिलहाल मैंने मास्टर केज की सेटिंग अपने पीछे बना दी है, यहाँ पे ये जगह भी इसके लिए अच्छी थी और यहाँ पे हम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि बड़ा पिंजरा है, तो इससे हम डिस्टर्ब भी यहाँ नहीं हो सकते। बाकी हमारी पीली वाली जो मादी है ये अंडों के ऊपर नहीं बैठ रही है, इसका भी देखते हैं क्या पोजिशन है, क्या करना है इसके साथ। बाकी ये है आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो इधर ही फिर एंड कर देते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों और हमारा चैनल G4 गोल्ड इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब कर दिया। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।